सभी को जय श्री राम। मंदिर में आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है और कथा को आगे बढ़ाएंगे। आज कथा देख रहे हैं, कथा चल रही है, शुरुआत से कथा चल रही है कि तुलसीदास जी जो हैं वो रामायण की कथा लिखना चाहते हैं। और जब कोई ऐसा बड़ा कार्य करना होता है, कोई बड़ी चीज करनी होती है, बहुत बड़ा वर्क होता है, बहुत बड़ी मुश्किल का काम होता है, तो लोग सबसे पहले क्या करते हैं, जैसे छोटा कोई काम करना होता है तो अपने फैमिली में कजिन में लोग बात करके एडजस्ट करते हैं, भाई हम ऐसा करने जा रहे हैं, एवरीथिंग ओके। थोड़ा बड़ा करना होता है तो अपने नेबर्स को भी हम देते हैं, कल हमारे यहाँ भाई फीस्ट है, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो सकता है, हल्ला हो सकता है, बताते हैं। और थोड़ा बड़ा होगा तो घेवंते को जाके बताएंगे, ठीक है। और थोड़ा बड़ा होगा तो और भी कुछ करना होगा, इतना बड़ा मैंने किया नहीं, कुछ जो मैं जानता हूँ आगे क्या करना है। तो ऐसे बड़ा का, अब तुलसीदास जी तो लिखने जा रहे हैं रामायण की कथा, राम की कथा, राम के चरित का बखान करने जा रहे हैं, तो वो भी सबको प्रणाम करते जा रहे हैं, सबको प्रणाम करते जा रहे हैं, सबसे आशीर्वाद लेते जा रहे हैं और सबसे कह रहे हैं कि ये अपनी कृपा बनाए रखें। और सबसे कह रहे हैं कि मैं जो हूँ मैं इतना ज्ञानी नहीं हूँ, मैं इतना बढ़िया कहने वाला नहीं हूँ, मेरी व्याकरण पे इतनी ग्रामर में बहुत अच्छी नहीं जानता हूँ, शब्द मेरे पास अच्छे नहीं हो सकते, मेरे पास सिर्फ ये है कि मैं अपने राम के प्रति मेरा प्रेम है और मैं उसी प्रेम से, उसी श्रद्धा भाव से और उन्हीं की प्रेरणा से, उन्हीं के लिए ये कथा लिखने जा रहा हूँ। ऐसा करके शुरुआत करते और फिर उन्होंने बहुत बढ़िया बात की, पिछली बार जहाँ कथा छूटी थी उसमें ना, कि ये मत समझ रहे कथा मैं लिख रहा हूं या मेरी लिखी हुई है ना, ये जो कथा जो थी शिव मानस राखा, शिव ने अपने मन में बसा रखी थी। और कब, जब बहुत अच्छा समय आया है ना, जब बहुरे कृपा करी उमहि सुनावा, और जब बहुत कृपालु हुए, बहुत प्रेम आया उन्हें, तो उन्होंने पार्वती जी को एक कथा सुनाई, तो अपनी धर्मपत्नी को कथा सुनाई, राम राम कथा सुनाई। और जब आप कोई नई चीज जानते हैं, को जानते हैं बहुत बढ़िया, बहुत बलंग्रायक है, बहुत कमाल की चीज है, तो आप किसको बताते हैं, अपने घर में बताएंगे, फिर आपका जो सबसे बड़ा अच्छा फ्रेंड होगा उसे बोलेंगे, आओ यार जरा तुम्हें एक बात बताते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट डिश है, तो बताएं। तो का प्रचंड जी जो हैं वो तो शिव जी के भक्त भी हैं और दोस्त भी हैं, आपको याद ही होगा कि राम जन्म जब होता है तब दोनों साथ में जाते हैं, जब कृष्ण जन्म होता है तब भी दोनों साथ में जाते हैं, तो बहुत दोनों फ्रेंड भी हैं, दोस्त भी हैं। तो उन्होंने काकुशुंड जी को सुनाई, काकुशुंड जी ने याज्ञवल्क्य मुनि को सुनाई, याज्ञवल्क्य मुनि को सुनाई, उन्होंने भरद्वाज जी को सुनाई। तो कह रहे ये कथा ऐसा नहीं समझ लेना कि मैंने लिखी है ना, ये कथा मैंने नहीं लिखी है, ये शिव जी के मन से उतरी कथा है, शिव जी ने अपने मन से रची थी, शिव जी के मन में उतरी थी ये कथा, और उन्होंने प्रेम से जिसको पात्र समझा, जिसको सुयोग्य समझा, जो सही समझा, उन लोगों को कथा सुनाती गई और धीरे धीरे उस चरण में ये कथा बढ़ती गई। याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज जी को सुनाया, भरद्वाज जी से अगस्त्य मुनि ने सुना, और अगस्त्य ऋषि को ही कुंभज ऋषि कहते हैं। और आगे हम पढ़ेंगे कि एक बार त्रेता जगमाई शंभु गए कुंभज ऋषि माई, और फिर शब्द किससे सुनने जा रहे हैं, शिव जी ने कथा सुनाई और बाद में फिर उसी श्रोता। तो ये भी एक चक्र है कथा का, यहाँ श्रोता और वक्ता दोनों समदर्शी माने गए कि समभाव से हैं, दोनों की बुद्धि समान है, तभी ये कथा ट्रांसफर हो सकती है। अगर ऐसे हो एक ऊपर एक नीचे है तो बात नहीं बन पाएगी, बुद्धि सेम लेवल पे आ जाए तब हम कलाम की कथा हो सकती है। तो शंकर जी से इतने लोगों ने सुनी और बाद में अगस्त जी तक पहुंची, अगस्त जी को कुंभज कहा जाता, कुंभज ने फिर वही शंकर जी को सुनाई। तो जो श्रोता वक्ता इसमें दोनों ही, तो बोले ऐसी जो कथा कई बार कही गई, कई लोगों ने कई लोगों से कहा, ऐसे होते 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 ये कथा मुझ तक पहुंची और मैं फिर उस कथा को लिखने जा रहा। तो एक सुनी तुलसीदास जी अपने बचपन के बारे में बताते हैं, हमने कैसे सुनी, मैं पुनि निज गुरु सन सुनी कथा सो सु कर खेत समुझी नहीं तसी बालपन तब तिरऊ अचेत सिया पर राम जय जय राम। तो कैसे बताते, बोलते कथा ऐसे 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 चलते हुए पहुंची और वहां मेरे गुरु जो थे, मेरे गुरु मैं अपने निज गुरु, मैंने अपने गुरु से एक कथा सुनी। कहाँ सुनी, सूकर क्षेत्र कहा जाता है, ये उत्तर भारत में एक जगह है, इसको आम भाषा में आजकल ये उसका नाम हो गया है, सूकर खेत नहीं कहते हैं, उसको सोरों कहते हैं, सोरों जगह है, आगरा से थोड़ा पास में है, सोरों कहा जाता है उसे, मुझे वहाँ पे इनके गुरु से इन्होंने कथा सुनी। तो कह रहे हैं मैं बचपन में जब मैंने पहली बार जब ये कथा सुनी, अब देखिए आप कितना फर्क आ रहा है, तुलसीदास जी ये कथा जब लिख रहे हैं तब वो 77 वर्ष की उम्र के हैं,
सेवन एंड सेवन टक ईयर के हैं, और उन्होंने अपने बचपन की कथा पहली बार जब मैंने कब सुनी थी, कथा मैं पुण्य निज गुरु सन सुनी कथा सुकर खेत सुकर। जैसे आपको होता है कोई कोई इंसिडेंट बिल्कुल याद रह जाता है, आज भी हो सकता है कुछ बचपन की कोई घटना हो, कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज रही हो, अगर आपको एकदम याद हो गई उस दिन ऐसे ऐसे था, इस दिन ऐसे बात हुई, फिर उससे मुझे ऐसे कहा, तो ये कथा जो थी उनके जीवन की इतनी बहुत बड़ी घटना थी उनके जीवन की, कि कथा मैंने पहली बार सबसे पहले किससे सुनी और कहाँ सुनी वहां सुनी। कहते हैं समुझी नहीं तसी बालपन तब मन रहे हुआ चेत, बोले तब है ना छोटा था मैं, बुद्धि उतनी बड़ी नहीं थी, जैसे कहा कि राम कथा जो है दोनों एक लेवल पे आ जाए तब राम कथा ट्रांसफर होनी शुरू होगी, राम के भाव को समझना शुरू हो पाएगा वहां से। तो कह रहे तब मैं बहुत अच्छे था, चेतना मेरी जागृत नहीं थी, बुद्धि का लेवल मेरा बहुत अच्छा नहीं था, गुरु ने सुनाई मुझे, मैंने कही, वो इंसिडेंट मुझे याद है, लगा भी अच्छा मुझे, लेकिन मेरी बुद्धि का बल इतना नहीं था, बुद्धि इतनी प्रखर नहीं थी कि मैं उसको समझ पाता। समुझी नहीं तसे बालपन, बाल बालपन बचपन के लिए भी कहा गया, और बुद्धि का भी बाल विकास था, बुद्धि भी बहुत विकसित नहीं हुई थी तब मैंने सुना। इसी से क्या समझ सकते हैं, अगर हमें नहीं भी समझ में आती है कभी, नहीं जैसे यहाँ देखते हैं छोटे छोटे बच्चे आते हैं, नहीं पूरी बात समझ में आती, कोई बात नहीं, एक बीज पड़ना चाहिए, तुलसीदास जी के अंदर ये बीज पड़ा, और उस बीज को जब वो फर्टिलाइजर देते रहे, पानी देते रहे, धूप देते रहे, तब 77 साल की उम्र में जाके वो बीज इतना बड़ा वृक्ष बना, जो आज इतनी शताब्दियां निकल चुकी हैं, इतने सालों 100 वर्ष इतने 100 वर्ष हो चुके हैं, लगभग 500 वर्ष से ऊपर हो चुके हैं, और तुलसीदास जी की रचना जो है अमर रचना हो गई। लेकिन उसका बीज कैसे पड़ा, एक सूखा खेत में एक गुरु ने थोड़ी बार बताई, और कह रहे जब बताई तब मुझे पता भी नहीं था, समझ में भी नहीं आई यहाँ पर। आप देखिए एक बीज को अगर आप एक पॉट में लगाते हैं, ग्राउंड में लगाते हैं जब, तो बीज को क्या पता होता है मेरे पे इतने इतनी मेरे ऊपर चिड़िया बैठेंगे, इतने इतने इसके बच्चे इसके नीचे खेलेंगे, इतने फल लगेंगे, इतने फूल लगेंगे, उस बीज में इतनी संभावना है, बस संभावनाओं को लिए हुए है ना। उस बीज को लगाने वाला ये बता सकता है कि इस पे 1 मिलियन एप्पल आएगा, नहीं बता सकते ना, इस पे 1 मिलियन फूल आएगा, इस पे 10 चिड़िया आएगी, 100 चिड़िया आएगी, कोई नहीं बता सकता, हर की संभावना है। लेकिन अगर बीज न लगा होगा तो भले 1 मिलियन ना आए इस पेड़ पे, कभी 1 मिलियन ना आए, 100 आएंगे, 100 आएंगे, कुछ तो आएगा, बढ़ेगा तो, लेकिन सबसे पहले बीज की शुरुआत होनी है, बीज लगाना है। कहते कथा को सुनना इतना जरूरी बताया कि इतनी बार कथा सुनी जो शंकर ने अपने मन में रखी थी, भगवान शंकर ने अपने मन में रखी थी, और इतने लोगों को सुनते 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 जब वो अगस्त्य जी के पास पहुंची तब उन्होंने फिर जाके सुना। कथा का रस है, बोले सब सुनते रहे समझते रहे, बोले जब मुझे बचपन में जब सुनी पहली बार तो समझ में नहीं आ पाई, पूरी बात समझी नहीं, लेकिन आनंद बहुत आया, और वो बीज पड़ गया, उस बीज को आगे बढ़ाते रहे। श्रोतावकता ज्ञान निधे कथा राम कई गूढ़ा, किमि समझौं मैं जीव जड़ कलिमल ग्रसित विमूढ़ सिया वर राम। ये दुआ मुझे बहुत प्रिय है, सही में हमेशा बहुत, मैं कई बार इसको बोलता भी हूँ। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम कई गूढ़, इतनी बार कही गई, इतनी बार बतलाई गई, हर बार सुनी गई, और राम की रस कथा का रस इतना है, इसमें इतना ज्ञान है कि एक बार में समझ में आ भी नहीं सकती। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, दोनों ज्ञान के भंडार होने चाहिए, दोनों में श्रद्धा पूरी होनी चाहिए, दोनों राम की कथा सुनने वाले और सुनाने वाले। आप देखिए राम की कथा और इनमें अंतर भी कुछ नहीं रह जाएगा, राम की कथा कहने वाला और राम की कथा सुनने वाला, ये सब संवेदी है, मतलब एक साथ में आ गए, इनकी बुद्धि का लेवल जो है वो एक लेवल पे आ गया, वो एक जगह पे लेवल पे आके जहाँ कथा ट्रांसफर हो सकती है, और दोनों में कोई अंतर नहीं रह जाता कि राम की कथा कौन कह रहा है और कौन सुन रहा है। अब देखिए राम की कथा को जो सबसे पहले कहने वाले, जो सबसे पहले जो इसके वक्ता हैं, जो इसकी रचना करने वाले हैं, वो है भगवान रुद्र, और इसके सबसे अच्छे सुनने वाले जो हर हमेशा राम कथा ही सुनते हैं वो है रुद्रांश, हनुमान जी। तो अब कहे रुद्र और रुद्रांश में फर्क कितना, सब एक जैसे हो गए। तो कहे श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम कई गूढ़, सरल होते हुए भी ये कठिन क्यों कही गई है, कहते हैं राम की कथा सरल है लेकिन फिर भी गूढ़ बताई गई, यहाँ पे बड़े विचित्र लगे, दो अजीब से शब्द लगेंगे, लेकिन आप देखें कि राम की कथा में खरदूषण आते हैं, खर आता है,
खर कहते हैं कि जो खुरखुरा होता है, कठिन होता है, कड़क होता है, लेकिन राम स्वभाव से इतना सरल, उनकी कहानी इतनी सरल कि वो उसमें भी आके वो भी सरलता से चला जाता है। तो राम की कथा में विषमताएं बहुत है, क्योंकि राम जो है, भगवान राम जो है, वो समाज से है, समाज का हर वर्ग उनसे जुड़ा है, राजा भी उनसे जुड़ा हुआ है, उनके पास जो जंगल में भील आदिवासी उनसे मिले वो भी राम से जुड़ते हैं, एक अलग तरह के राजा मिलते हैं, सब लोग जुड़ते चले जाते हैं राम से। क्यों जुड़ पाते हैं? क्योंकि राम सबसे मिलना चाहते हैं, राम सबके लिए सुलभ है, ये राम का स्वभाव है। कहते श्रोता भक्ता ज्ञान निधि कथा राम कई गुण, इसीलिए बार बार कही जाती है, बार बार दोहराई जाती है। हो सकता है इस बार कुछ एक नए भाव से हम पढ़ें राम की कथा को, जब जितने भावों से पढ़ी जाएगी उस बार उसमें वो भाव हमेशा मिलता जाएगा। ये जरूरी नहीं है कि हम एक बार, इसीलिए हम कहते हैं राम का पाठ करते हैं, कथा का गायन करते हैं, कथा का पाठन करते हैं, पढ़ते नहीं है। पढ़ना होता है कि भाई चलो ठीक है, वो एग्जाम है, टूट्स है, बुक पढ़ा, समझ में आ गई बात, गए एग्जाम दिया, क्लास रिजल्ट आ गया, खसलाट, बुक बात खत्म हो गई, पढ़ लिया, काट बात खत्म हो गई। लेकिन क्या दोबारा फिर जाते? अब हम जाके क्या, हमने जो जो बच्चा एक है ग्रुप्स जेस में था, पढ़ाई किया, एग्जाम दिया, ग्रुप सेवन में आ गया, ग्रुप एट में आ गया, सेकेंडरी में चला गया, सेकेंडरी में जाने के बाद क्या वो फिर ग्रुप फाइव की किताब पढ़ने जाता है? नहीं जाएगा, पढ़ लिया उसको, एक बार पढ़ना था, समझ में आ गई, बात क्लियर हो गई। अब उसमें अब बताया गया कि 2+2=4 होता है, 12+12 फेल हो जाएगा। अब वो जाके 10 साल बाद भी अगर सोचा गया कि 5 तो नहीं हो जाएगा या 3 ही रह जाता, ये तो देखने नहीं जाएगा, पढ़ ली, बात खत्म हो गई, दिमाग में बांट बैठ गई, सही हो गया। अब वो जब 2+2 करना होता है तो क्या बच्चा पीछे जाके फिर देखता है? नहीं देखता। लेकिन राम की कथा जो है बार बार पढ़ी और कही इसलिए जाती है कि यहाँ शब्द ही नहीं है, भाव भी है, और भाव उसका है जिसने लिखा है इसको, जिसने समझा है। तो हर बार जब आप जितने मूड से, जितने आपका अंदर जो भाव होंगे, आप देखेंगे राम कथा भी उसी भाव में चल रही है। मैंने कई बार एक्सपीरियंस किया, ऐसा लगा जिस दिन जिस भाव से पढ़ा उस दिन लगा कि ये तो सही बात है, ऐसा ऐसा भी हुआ है, अलग अर्थ एक समझ में आएगी बात। तो इसने कहा कि श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम कई गुण, बहुत गुण कथा है, इसको पाठन करते रहना, सुनते रहना, सुमिरन करते रहना। और किम समझाऊं मैं जीव जड़ कलिमल ग्रसित विमूढ़, मैं इसको कैसे समझ सकता हूँ, मैं हम सब आते, तुलसीदास जी लिख रहे हैं अपने, लेकिन हम सब आते हैं इसमें कि मैं समझाऊं जीव जड़, मैं इस ये ऐसा जीव जो जड़ है, मतलब बुद्धि भी उसकी उतनी प्रखर नहीं है, मैं बहुत बुद्धिमान भी नहीं हूँ, और कलिमल अग्रसित अभिमूढ़, कलिमल मतलब इस कलयुग के विषादों से, इस कलयुग के जो चारों तरफ जो कलयुग का जो इफेक्ट है, इस कलयुग के इफेक्ट से भी मैं ग्रसित हूँ, हमको डिस्टर्ब करने वाले। आज की आज अगर सोचें जो लोग हम जो मेरी उम्र के लोग हैं 40-45 लोग, वो अगर सोचें आज की डेट में कि जब बचपन में हम छोटे थे तब डिस्टर्बेंस के साधन बहुत कम थे। आज हम कई बार बच्चों को कहते हैं नहीं ये थोड़ा करो, थोड़ी देर पढ़ाई करो, थोड़ा फोकस करो, मोबाइल हटाओ। हम नहीं ऐसा करते थे, बात कहने करते थे क्योंकि मोबाइल था भी नहीं था, ठीक है। बाहर बच्चे खेलने नहीं जाते, वो दिन भर रिमोट से गेम खेलता है, ये करता है, तब आते ही नहीं थे। बोले टीवी दिन भर टीवी देखता है, अब टीवी दिन भर देखता है हमारे, जब मुझे याद है मैं जब बहुत छोटा था तब पहली बार जब टीवी शुरू हुआ था तो वीकेंड में आता था सिर्फ, शाम को अंधेरा होने के बाद टीवी चलता था या फिर शाम को आना शुरू हुआ, तो तब डिस्टरबेंस के साधन नहीं थे। अब साधन जो है कलयुग अब अपने पीक पे आ रहा है, हर तरह के डिस्टरबेंस के साधन है। आप 24 घंटे डिस्टर्ब रहना चाहे, आपका शरीर साथ दे तो आप 24 घंटे डिस्टर्ब रह सकते हैं, साधन पूरे हैं, साधन में कोई कमी नहीं है। तो तुलसीदास जी तो इतने साल पहले कह रहे हैं, कहें कलयुग के जो लक्षण हैं जो आगे दिखाई देगा, कलयुग कलयुग जिस हिसाब से चल रहा है तो डिस्टर्बेंस के साधन पूरे मिलेंगे इन साधनों के होते हुए, और बुद्धि भी मेरी कमजोर है। अब जब ये सब इतने सारे डिस्टर्बेंस भी हो रहा है और बुद्धि भी मेरी उतनी जोर नहीं है, तब मैं कैसे इसको समझ सकता हूँ? कलिमल जो होता है कि कलिमल जो कली का जो अफेक्ट होता है, एक कबीर जी का दोहा है, कहते हैं चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए, चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोए। चक्की जो चला इस तरह की चक्की चलती, पहले बहुत पुराने जमाने में लोग चलाते थे, दो पत्थर होते थे उनमें ऊपर से दाना डालते थे और ऐसे चलाते थे उसको,
तो कहे चलती जाकी देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। जो बीच में दाना जो आया सब पिसता चला गया, सब पिसता चला गया दाने को जिसको नहीं पिसना था। एक और का एक प्रोवर्ब कहा जाता कि गेहूं के साथ घुन भी पिस जाता है, तो जो कीड़ा हो गया वो भी उसमें गया, वो भी पिस गया। तो कहता कहना क्या चाहते हैं कबीर जी यहाँ पे कि ये जो कलयुग जो है इसमें इतना जो बाहर का एनवायरनमेंट ही अगर देखा जाए तो डिस्टर्ब करने वाले, परेशान करने वाले। कई बार होता है आपका मन करता है नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर ऐसा नहीं किया तो मेरे साथ ऐसा हो जाएगा, इस चक्कर में आपने कर देते हैं। तो कई बार आप गलत करना नहीं चाहते, अंदर से भाव नहीं आता कि मैं गलत करूं, लेकिन कहते हैं क्या करें, दुनिया में रहना है तो करना तो पड़ेगा ही है। अभी ये थोड़ी है कि कपड़े रंग के हम जंगल में चले जाएंगे, अब दुनिया में रहना है तो दुनियादारी है, करना पड़ता है। कई बार आपने कहते हुए लोगों को सुना होगा, कई बार अपने मन में भी ये भाव आया होगा कि ये करना नहीं चाहिए था, लेकिन अब क्या करें, जीने के लिए करना है। कई बार ऐसे भाव आते हैं। मान लो बुचर मैन है, वो कहता है कि मैं जीवन चलाने के लिए मुझे करना है, यह हत्या मैं करना नहीं चाहता। जैसे वाल्मीकि जी की कथा आती कि वो चिड़िया मारते थे, बोले परिवार के लिए करना है मुझे। तो कई तरह के ऐसे लक्षण होते हैं। तो कबीर जी क्या कहते हैं, चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचाना कोई। लेकिन उनके एक लड़के थे कबीरदास जी, उनका नाम था कमाल, उनका नाम था कमाल। कमाल कहते हैं कि सरप्राइज को भी कह सकते हैं कमाल, कबीरदास के लड़के का नाम था कमाल। तो उन्होंने इसका जवाब लिखा अपने पिता के द्वारा, दूसरा जवाब लिखा उन्होंने, चाकी चाकी सब करें, चाकी चाकी सब करें, कीली कहे न कोय, जो कीली से लगा रहे तो बाल नवा का हो। तो क्या होता है, चिक्की ऐसे चलती है तो एक एक्सेस होती है, एक एक्सेल होती है, उस पर घूमता रहता है, घूमता रहता है। तो बोले जो दाने अगर आप देखें, जो दाने कील के पास चिपक गए, रह गए, हिले नहीं, कील को चिपके रहे, कुछ नहीं होता, वो वैसे के वैसे ही बैठे रहते हैं, ठीक है। तो कहते क्या कि ये चीज क्यों ध्यान में आई सर, कि राम कथा इस कलयुग में ऐसी ही है कि जो राम जो है, राम के प्रति आपका प्रेम है, जो भक्ति हो सकती है, वो एक कील जैसी है। अगर उस कील से अटैच रहे तो पत्थर भले चाहे कितना घूमे, कितना घूमे, लेकिन आप नहीं बिसेंगे, आप बैठे रहेंगे। जो कीली से लागार है तो बाल डबाका पड़े। लेकिन हम क्या, हम तो चक्की देख रहे हैं पूरी, तो चलती चाकी देख के दिया कभी रहा तो कमाल क्या कहते हैं, कहते जो कीली से लगा रहे तो बाल नवाका हो। तो राम कथा की ऐसी महिमा कही तुलसीदास जी ने। भाई क्या कहते हैं, तदपि कही गुरु बारही बारा, समुझ परी कछु मति अनुसारा। गुरु ने एक बार में, एक गुरु कने बार बार बताई, तदपि कही गुरु बारही बारा, समझ बहुत ज्यादा नहीं आ रही थी, थोड़ी बहुत समझ में आ रही थी। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर जो हो रहा था 5-10% ही हो रहा था, लेकिन करते रहे हम उसको, करते रहे करते रहे। तदपि कही गुरु बारही बारा, मैं श्रद्धा से सुनता रहा, वो श्रद्धा से बताते रहे, प्रेम का जो भाव था वो थोड़ा 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 बढ़ता रहा मेरे अंदर। समझ परी कछु मति अनुसारा, मेरी बुद्धि के अनुसार थोड़ी 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 समझते रहे। बचपन से सुनता रहा, 77 साल की उम्र तक जाते जाते पूरा सौम्य आई बात, और तब ये कथा लिखने जा रहे, तब ये भाव आ पा रहा। भाषा बद्ध कर भी मैं सोई, मोरे मन प्रबोध जेई होई। मैं इस कथा को जो मैंने सुनी, इतनी बार सुनी, मेरे गुरु ने सुनाई और इतने लोगों से जो होती हुई कथा है, इसको मैं भाषा बद्ध कर रहा हूं, एक भाषा में लिख रहा हूं। क्योंकि तुलसीदास जी का मानना था, आज देखिए कि जैसे पिछली बार कथा जी बता रहे थे कि याग बलक जो बोलना है शब्द, ये बड़ा मुश्किल शब्द है, तो उन्होंने कहा जाग बले, जो हर व्यक्ति बोल सके। तो ये कथा जब उन्होंने लिखी तो मैं कह रहा हूँ उनकी कथा कह रहे कि कथा में और कुछ नहीं, मैं इसको ऐसी भाषा बना रहा हूँ ताकि हर व्यक्ति इसको समझ सके, हर व्यक्ति के लिए ये सुगम हो सके, हर व्यक्ति के लिए ये कथा सरल सुलभ और सहज हो सके। आपको आश्चर्य हुआ कि तुलसीदास जी की जब लिखी थी तब बिना प्रिंटिंग नहीं हुआ करती थी। तुलसीदास जी सिर्फ गाते थे, और गाते 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 इतनी बार गाई गई कि लोगों ने इतनी बार सुना सुना और सुना हो गया, दिमाग में बैठ गई, लोगों के दिमाग में बैठ गई। बहुत सालों बाद, मुझे लगता है कि करीब 200-300 साल बाद जाके पहली बार इन किताबों की छपाई हुई। तब तक किताब है ना, बस लोगों को ध्यान थी, दिमाग में रट गई थी। तो कथा जो थी इतनी सुलभ, इतनी सहज और इतनी समाज के अनुकूल बना दी जाए कि जो एग्जाम्पल जब दिए गए इस कथा में, तो
उन्होंने वो दिए जो आदमी डेली देखता है, जो रोज देखता है, जो अपने आप को उनसे रिलेट कर पाए। ये नहीं समझे कि राम हमसे बहुत दूर है, राम हमारे ही हैं, राम हमारे ही पूर्वज हैं, हम उनसे कनेक्ट कैसे हो पाए, कैसे चले, वो राम का स्वभाव क्या था। इसीलिए कहा राम राम की कथा लिखने से पहले, जब इनसे तुलसीदास जी से पहले जितने लोगों ने लिखी कथा, सभी ने कहा रामायण। रामायण का अर्थ होता कि राम का घर, आयन कहते हैं घर को, राम का घर, राम का मंदिर। लेकिन तुलसीदास जी ने रामायण नहीं लिखा, उन्होंने कहा तुलसी के रामायण लिखा, उन्होंने कहा रामचरित मानस। बड़ा विचित्र शब्द है कि रामचरित मानस, क्या है कि राम के चरित्र का, राम के चरित्र का, राम की गुणों का ये मानस है। मानस कहते हैं मानसरोवर, मानसरोवर झील जैसे जो है, मानसरोवर झील बहुत ही अच्छी शुद्ध झील मानी जाती है, बहुत पवित्र झीलों में माना जाता है, उसको कहते हैं मानसरोवर। और बहुत कोई शुद्ध पानी यहाँ पे जल होता है उसको बोलते हैं सरोवर, तो मानसरोवर। और दूसरा अर्थ में क्या, ये जो मन का जो सरोवर है इसमें सीधे राम के गुणों को ट्रांसफर करने की जो कथा है वो रामचरित मानस है, मन के अंदर जो सरोवर है। दोनों में क्या फर्क पड़ेगा? देखिए आप रामायण किसी के घर जाते हैं अगर, तो बड़ा एकदम अच्छे से साफ सुथरा होके, नई नई ड्रेस वेस पहन के, कुछ सही से होके, कई फीस ने बुलाया, कुछ रेडी होके जाने, मंदिर में जाने, नहा धो के आना, आपको एकदम सही करके मोई से एकदम तैयार होके आएंगे। लेकिन मान सरोवर में नहाने जाना है, तो सरोवर में नहाना है, तो अब नहाने मतलब गंदे ही है, तभी नहाने जा रहे हैं। बात यह है कि सरोवर में नहाने से पहले आपको नहाने ही जाना है, क्या शॉवर में जाने से पहले रेडी होके जाना होता है क्या? नहीं, ये शुद्ध होने के लिए ही जा रहे हैं। कितना दोनों शब्दों में कितना फर्क आ गया, बोले रामचरित मानस, ये मन के भावों को शुद्ध करने के लिए जाने की ही कथा है। तो ये नहीं कि इसके लिए बहुत प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं है, सीधा इसमें जंप करो और आगे मन धुलता साफ करता चला जाएगा। ये मानस मन को साफ करने की कथा है, ये मन को धोने की कथा है। इसके लिए कोई प्रीरिक्विजिट नहीं है कि पहले समय ये सब करके एकदम सही से जाना ना, ये राम की कथा है। रामचरित मानस ये राम के गुणों का अंबार है, वही आपको पार लगाएगी। कहते हैं ये जो कथा जो है मैं सिर्फ भाषाबद्ध कर रहा हूँ, मोरे मन प्रबोध जई हुई, जैसा मेरे अंदर प्रभु की प्रेरणा से जो भाव आया है उसके अनुसार मैं इसको भाषाबद्ध कर रहा हूँ, कठिन नहीं बना रहा। जाग बले सब कह सकते हैं। आप बड़ा आश्चर्य हुआ कि रामायण में कहीं भी जो है श जो शब्द होता है, श कहना बड़ा लोग बहुत लोगों के लिए मुश्किल होता है, श तो मैं श कहीं है ही नहीं, सा है हर जगह, शंकर नहीं आता, शंकर ही आता है। कहने की भाव है, भाव समझ में आना चाहिए, कहना उतना इंपॉर्टेंट ना रह जाए, भाषा की लिमिटेशन ना रह जाए, भाषा उतनी बड़ी चीज नहीं है। इसीलिए शायद तुलसीदास की लिखी हुई रामचरित मानस जो थी वो भाषा से बहुत ऊपर उठ गई, उसमें भाषा मेन न रह गई, उसमें वो भाषा वो हो गई जो सब जनमानस समझता था, जो लोगों के समझ की थी, जो लोग जो इसमें एग्जाम्पल दिए गए फॉरबिडन फॉर्ब्यूला वो भी ऐसे दिए गए जो लोगों के दिन जो रोज देखते थे लोग, ऐसे दिए गए ताकि लोगों के मानस में उतरे, मन में उतरे ये कथा, और तभी उतर गई, इतने सालों से चल रही है। आप एक फिल्म को कितनी बार देख सकते हैं, फ्री में भी टिकट दे, मतलब ये नहीं पैसे देके कर रहा हूँ, फ्री में दिखा रहा है तब भी एक दिन, मतलब एक दिन आपको दो बार तीन बार दिखा दी है, फिर वो चौथे दिन से वो पनिशमेंट लगने लगेगा, लेकिन राम कथा ऐसी है कि इसका हर बार भाव अलग अलग आता जाएगा, होती जाएगी, चलती जाएगी, पीढ़ियों ने, पिता ने अपने पुत्र को बताई, पुत्र ने आगे अपनी जनरेशन को बनाई, ऐसे चलती रही कथा। जस कछु बुद्धि विवेक बल मेरे, तस कहियहुं हरि के प्रेरे। कहते जस कछ बुद्धि विवेक बल मोरे, जैसी मेरी बुद्धि है, जैसा मेरा विवेक है, और उन सब का जो बल है, बुद्धि और विवेक के बल से मैं ये कथा कहूंगा, करूं तस कहीं हरि के प्रेरे, मैं अपने हृदय से ये कथा कहूंगा। लेकिन किसकी प्रेरणा से कहूंगा? उसी हरि की प्रेरणा से ही कहूंगा। वो जो हरि जो है वही मेरे अंदर बैठ के मेरे हृदय से भाव होके जो निकलेंगे वही कथा निकलेगी, मेरे हृदय से कथा निकलेगी, और ये कथा जो है हरि की प्रेरणा से ही निकलेगी। तो मतलब उसमें जो मैं का जो भाव था वो खत्म, तिरोहित, एकदम तिरोहित कर दिया है। तुलसीदास जी कहते ये कथा जो है हरि की प्रेरणा से हरि के लिए ही निकलने वाली है। निज संदेह मोह भ्रम हरनी, राम राम करहु कथा भव सरिता तरनी,
निज संदेह मोह भ्रम हरनी करहुं कथा भव सरिता तरनी। निज संदेह, निज कहते हैं स्वयं के अंदर, अपने अंदर। निज संदेह मोह है, अपने अंदर जो डाउट्स हैं, ट्राइफल्स हैं अपने अंदर, जो अपने अंदर मेरे ट्राइफल्स हैं, जो मोह है मेरे अंदर, जो भ्रम है मेरे अंदर, इल्यूजन है मेरे अंदर, उन सब का ये नाश करने वाली है। निज संदेह, अपने अपने संदेह, अपने अपने जो ट्राइफल्स हैं उनको, जो अपने अंदर भ्रम है, अपने अंदर मोह है, जो क्रोध है, जो अन्य छिपे हुए विकार हैं, उन सभी विकारों से मुक्त करने वाली कथा है ब्रह्म हरणी। हरणी कहते हैं खत्म कर देने वाली, चुरा लेने वाली, मिटा देने वाली। करहुं कथा भव सरिता तरणी, ये जो कथा जो है जो मैं कहने जा रहा हूँ, ये सरिता तरणी है। जैसे नदी को पार करने के लिए एक नाव की जरूरत होती है, ऐसे जीवन की, इस नाव जीवन को पार करने के लिए जिस नौका की आवश्यकता पड़ेगी, वो कथा जो है वही नौका है जो हमें इस भवसागर से पार ले जाएगी। जो मोह को, भ्रम को, जो हमारे ट्राइफल्स होंगे, जो हमारे राग द्वेष विकार जो होंगे, इन सब का हरण करेगी, इन सब को मिटा देगी, और इस जीवन रूपी भवसागर में, इस दुख सागर से हमें पार लगाने वाली जो ये कथा है, ये तरणी है। बुध वे श्याम सकल जन रंजनी, राम कथा कलि कलुष विभंजनी। बहुत बढ़िया शब्द कहा गया, बुध विश्राम सकल जन रंजनी। बुध विश्राम, बुध कहते हैं बुद्धिमान व्यक्ति को, विज्ञान विज्ञानी व्यक्ति को, ज्ञानी व्यक्ति को बुध कहा जाता है, बुध बुद्धिमान, इसलिए बुध बुध कहा गया। बुध बुद्धि और बुद्धू, सिर्फ मात्रा का फर्क है। कई बार जो बुद्धू होता है उसे भी कई बार लगता है बहुत बुद्धिमान आदमी, और को जैसे कहा जाता है कि हर पागल जो है, जो पागल होगा वो सबसे पहले, मतलब अगर ये कह दे मैं क्या पागल हूँ, समझ लो कि इसके कुछ कहानी उसकी गड़बड़ है, ठीक है, कहानी गड़बड़ है, ये चेक करने का पॉइंट बताते हैं। तुम क्या कहते हो मुझे गुस्सा आता है, समझ लो इस आदमी में गुस्से का इसको खुद आइडिया है कि आता है इसको, ठीक है। तो ये जो है इसमें कहा कि बुध, जो बुध है, बुध विश्राम, अभी बुध विश्राम मतलब बुद्धिमान लोगों को इस कथा से आराम आ जाएगा, वेल्टर स्ट्रक हो जाएगी। समझ में नहीं आती, वेल्टर उस्टर मतलब बुद्धिमान आदमी इसको सुनेगा सो जाएगा, तो इसका मतलब कथा में जो सो जाए समझो सबसे ज्यादा बुद्धिमान व्यक्ति है, ऐसा मतलब है। सो तो नहीं गया। बुध विश्राम, विश्राम कहते हैं सबसे बड़ा विश्राम यह है कि जब आप रात में सोए चिंता मुक्त हो जाए, कोई चिंता न रह जाए, कोई अगर आपके मन में कोई डाउट है। ज्यादातर लोगों को जिनको नींद नहीं आती है उनकी सबसे बड़ी समस्या होती है दिमाग में, उनके कुछ चलता रहता है, ट्राइफल रहता है जिसका वो समाधान करना चाहते हैं, जिसके बारे में सोचते रहते हैं, और इसलिए सो नहीं पाते, इसीलिए नींद की बीमारी उन्हें होती है, या कम सोते हैं, वो इसीलिए सोते हैं क्योंकि दिमाग में कुछ ना कुछ उनके चलता रहता है। बुद्धिमान लोग इस कथा को सुनकर वेल्टर उस्टर सोने मतलब खराटे नहीं मारने लगेंगे, उनके सब डाउट जो है, ट्राइफल्स जो है, जो भ्रम है, वो उनका दूर हो जाएगा, वो निश्चिंत होकर आराम पाएंगे। ये कहना बुध विश्राम सकल जन रंजनी, सभी लोगों को जो भी इसको सुनेगा उसका आनंद ही देने वाली है, उनको ये जो भय विकार जो है इनसे मुक्त करने वाली, उनको प्रसन्न करने वाली, उनको आनंद देने वाली ये कथा रहेगी। राम कथा कलि कलुष विभंजनी, राम की जो कथा है वो इस कलिमल का, जो कलियुग के जो इफेक्ट हैं, जैसे बताया कि बहुत से विकार हैं कलियुग को, आपको जो बिगड़ने के चांसेस हैं यहाँ बहुत ज्यादा है, इन सब विकारों से जो मुक्त देने वाली है ये कथा, इसलिए कहते हैं कलि कलुष, जो कलि के जो अभाव है, जो कलि का जो प्रभाव है, उस कलि के प्रभाव से मुक्त देने वाली है, इसलिए इसको कहा गया कल कलुष विभंजन। राम कथा कलि पन्नग भरनी, पुनि विवेक पावक कहूं अरनी। कहते राम कथा कलि पन्नग भरनी, राम पन्नग जो शब्द कहा जाता है वो कहा गया कि राम कथा ऐसी है जैसे जैसे तुलसीदास जी जो है बहुत रियल लाइफ एग्जांपल दे रहे हैं जो रोज हम देखते हैं, तो कहते हैं कैसी है जैसे मोरनी है, राम कथा कैसी है जैसी मोरनी है। पिकॉक जो है वो किसके सामने खड़ा, कोई सांप खड़ा उसके सामने, अगर पीकॉक खड़ा हो जाए तो सांप को तुरंत
सांप का डर तुरंत खत्म हो जाएगा। तो बोले ऐसी जो हमारे अंदर भय है, जो हमारे अंदर वासनाएं हैं, विकार हैं, जो राग हैं, द्वेष हैं, ये सब अगर एक नाग जैसे सांप जैसे समझ लिए खड़े हैं तो राम कथा एक मोरनी जैसी होगी जो तुरंत उसका नाश कर देगी। राम कथा कलिपन्नग भरणी पुनः विवेक पावक कमी। अब कैसे कि जो विवेक रूपी, जो विवेक जो अंदर, विवेक कहते हैं कि अपने अंदर जो इंटेलिजेंस है, जो आपका आईक्यू है, जो आपके अंदर आपको बुद्धि प्रदान करता है, उस बुद्धि के लिए, उस बुद्धि के यज्ञ को जलाने के लिए, जैसे कभी हम यज्ञ जब यहाँ करते हैं तो यज्ञ में संविदा जब शुरुआत में जलाते हैं तो उसको अरणी कहते हैं, जो पहली संविदा जो रखी जाती है, अग्नि प्रज्वलित की जाती है। अब तो कैसे साधन हो गए, लाइट लगा गया है, मैच बॉक्स है। पहले ना एक आग जो जलाई जाती थी वो जलाने की एक बड़ी विधि होती थी, उसको कहते थे अरणी कहा जाता है। अरणी कैसी होती है, एक दो लकड़ियाँ होती हैं बहुत ड्राई और मजबूत लकड़ियाँ, उन दोनों लकड़ियों को रख के ऐसे ऐसे कसके जलाया जाता था, चलाया था तब चिंगारी करते, उसी में ना कुछ लगा देते जला लेते थे, उसको कहते हैं अरणी। तो कहते हैं जैसे विवेक के अंदर, अपने अंदर बुद्धि को जगाने के लिए जैसे चिंगारी की आवश्यकता, बुद्धि को, अब बुद्धि आग हम जब 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 लगाते हैं, जब हवन करना शुरू करते हैं तो अग्नि देवता को सुहा करके बोलते हैं आपको दिया जाता है। तो अगर अंदर अपने अंदर जो बहुत विकार हो, जैसे कई जगह जो कूड़ा बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है, क्या करते हैं, जला देते हैं, अब वो छोटा सा हो गया, खत्म हो गई बात, ठीक है। तो कहते हैं अंदर अगर अपने अंदर के दुखों को, अपने अंदर के जो मूर्खता है, हमारी जो अज्ञानता है, जो हमारी जड़ता है, उसको खत्म करने के लिए विवेक रूपी बुद्धि रूपी अग्नि को प्रज्वलित करना पड़ेगा। उस अग्नि को प्रज्वलित करने के लिए जो अरणी हो सकती है, जो उसमें वो चिंगारी डालेगी, जो प्रथम आग उसमें लगेगी, वो जो है ये राम कथा है। कितना बढ़िया एग्जाम्पल दिया कि ये एग्जाम्पल जो है जो हम डेली देखते हैं, जो हमारे समाज में होते हैं, कि अगर हमें यज्ञ करना है अपने अंदर बुद्ध। एक फिल्म आई थी बहुत साल हो गए, तो मुझे लगता है ब्लैक नाम से आई थी, हिंदी मूवी आई थी। तो उसमें एक बच्ची थी जो देख नहीं सकती थी और सुन नहीं सकती थी, तो ऐसी बच्ची को सिखाना था। अब सोचिए कि ऐसे जो बच्चा देख ना सकता हो, जो सुन ना सकता हो, बोल नहीं सकती, उसको सिखाने के लिए उसमें एक मतलब उस पर पूरी मूवी है कि कैसे बनाते हैं। तो उसमें एक उसके जो टीचर रखा जाता है वो अमिताभ बच्चन, जो काफ़ी जाने माने एक्टर हैं, वो उसमें एक्टिंग किया था उन्होंने कि हम इसको सिखाएंगे। तो बहुत कोशिश करता है, नहीं सीखती है। बड़ा बढ़िया डायलॉग था उसके, ये भी हमेशा याद रहता है। वो बोले ज्ञान ये है, जैसे अंधेरा था और बत्ती जली नहीं थी। आप अंधेरा कितना भी बहुत गंदेरा अंधेरा हो, लेकिन एक व्यक्ति को एक छोटा सा बच्चा आके अगर एक स्विच ऑन कर दे तो लाइट हो गई। ये नहीं बता रहा कि भाई ये है ना, ये जो जगह है इसमें ना 10 साल से हमने पूरा अंधेरा रखा था पैक करके, अब इसको यहाँ पे रोशनी करने में हमें 10 ईयर लगेगा। नहीं ना, ऐसा तो नहीं हो सकता ना, बस आ गया। तो ये बोले ज्ञान जो है ऐसा है, ज्ञान की लौ जलनी है, बस लौ जलने के लिए समय, एक अवसर चाहिए, एक प्रयास चाहिए, प्रयास करते रहना चाहिए। एकदम बस था और नहीं है, लाइट अंधेरा था यहाँ पे और अब नहीं है, बस इतना अंतर है। जितनी देर में लाइट जलती है उतनी देर ज्ञान का प्रकाश, कभी एक क्षण चाहिए। तो उस क्षण को जो है बना सकती है, उस चिंगारी जो है वो पैदा कर सकती है, वो जो अरणी है, वो ये राम कथा है। राम कथा कली काम दगाई, सुजन सजीवनी मूरी सुहाई। राम कथा कली काम दगाई, राम कथा जो है कलयुग में, कामद कहते हैं कामधेन, और गाई जो है यहाँ पे गाने से नहीं, ये गाय के लिए कहा गया कि जो राम कथा है इस कलयुग में, राम कथा जो इस कलयुग में कामधेनु गाय के समान है। कामधेनु गाय किस लिए हम जानते हैं, कामधेनु गाय ऐसी गाय मानी जाती है जो सभी मनोकामनाओं की पूर्ति कर सकती हो। तो वो व्यक्ति भी जो साधन संपन्न होना चाहते हैं, जिनकी लालसा, जैसे धर्म अर्थ काम मोक्ष ये कही गई बात है, अर्थ को भी बहुत प्रधानता दी गई है हमारे हिंदू धर्म में, अर्थ को भी प्रधानता, ये नहीं कहा गया कि आप फटे हाल रहे ना, अब अच्छे से रहें, अपने जीवन यापन के लिए जो सही करना जरूरी है उतना करें, उसको श्रद्धा भाव से करें, इसलिए करें कि संचय करने के लिए ना करें कि मैं संचय इसलिए करना चाहता हूं कि मैं छीन के सब अपने पास रख लूं। रावण जैसा संचय नहीं होना चाहिए, लेकिन जीवन यापन जैसा, विभीषण जैसा भी संचय होना चाहिए।
ठीक है, तो इतना होना चाहिए। तो इसके लिए क्या कहा गया कि राम कथा कली कामद गाई, जैसे कामधेनु गाय जैसी है, जिसके सामने जो मनोकामना रखी जाएगी वो पूर्ण हो सकती है। तो जो व्यक्ति इसको किसी साधन से, जिसे किसी कामना से, किसी चीज को पाने के लिए भी अगर इस कथा को पढ़ेंगे तो उनके लिए भी ये कामधेनु गाय सी है। सुजन सजीवन मूर सुहाई, और जो सज्जन व्यक्ति है, जो जिनकी कोई कामना फिजिकल वर्ल्ड लेवल पे, वर्ल्डली लेवल पे जो हम देखते हैं फिजिकल जो सिचुएशन है उसमें कोई उनकी कामना नहीं, वो ये नहीं चाहते कि मेरे पास थोड़ा सा बड़ा वाला गाड़ी हो जाए, बड़ा वाला घर हो जाए, या मैं बहुत बड़ी पोजीशन पे पहुंच जाऊँ, ऐसी कोई इच्छा नहीं है जिनकी। वो सज्जन लोग जो हैं उनके लिए ये संजीवनी रूटी ऐसी है। कैसे कि जिस व्यक्ति की अगर आप सबने कोई चाह ही नहीं है कि मुझे ना कोई बहुत बड़ा पोजीशन चाहिए, ना मुझे कोई बहुत बड़ी गाड़ी चाहिए, ना मुझे कुछ घर चाहिए, कुछ चाहिए नहीं, तो भाई साहब हो क्यों? जब कुछ चाहिए नहीं तो यहाँ क्यों? पूछा जा सकता है ना, भाई मैं ये काम किस लिए कर रहा हूँ? मैं काम इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे इसमें ये मिलता है, ये मैं जॉब क्यों कर रहा है? भाई इसलिए करते हैं कि मुझे एट द एंड ऑफ द डे मुझे सैलरी मिलता है ताकि मैं अपना घर चला सकूँ, मैं खा सकूँ, पी सकूँ, अपने अच्छे से रह सकूँ इसके लिए। लेकिन सज्जन व्यक्ति को उसको कुछ नहीं, किसी चीज़ की कामना नहीं, कामना रहित हो, लेकिन वो व्यक्ति कहता है कामना रहित है, कामना रहित है, लेकिन वो यहाँ है सिर्फ कथा का सार का, राम को सुनने के लिए, वो आनंद लेने के लिए, वो भगवान का धन्यवाद देना चाहता है बस इसलिए। तो बोले ऐसे जो सज्जन व्यक्ति है जो फिजिकल वर्ल्ड की कामनाओं से दूर है, जिनको और कुछ नहीं चाहिए, उनके लिए भी ये संजीवनी जैसी है जो उनको प्रेरित करती है आनंद के लिए, दिन ब दिन वो राम के चरण में अनुरागी बने रहेंगे, ये कथा उनके लिए भी। तो ये जगह क्या बताना चाह रहे हैं तुलसीदास जी, कहते हैं राम कथा हर व्यक्ति के लिए है, धर्म अर्थ काम मोक्ष सबको प्रदान करने वाली है, जिनको अर्थ की तलाश है उनके लिए भी, जिनको धर्म की तलाश है उनके लिए भी, जो मोक्ष की तलाश में, काम की तलाश में है, अर्थ और काम जिनको चाहिए, कामनाएं हैं जिनकी, अर्थ की तलाश है, उन सब के लिए भी ये सुख करने वाली होगी, और जिनकी तलाश सिर्फ धर्म और मोक्ष की है उनके लिए भी ये मुक्तिदायक बनेगी। तो ये कथा सबके लिए कही गई, ये कथा ऐसी नहीं कही गई कि ये कथा सिर्फ इन लोगों के लिए, ऐसा नहीं। सोई वसुधा तल सुधा तरंगिनी भय भंजनी ब्रह्म भेक भुवंगिनी असुर सेन सम नरक निकंदनी साधु विविध कुल हित गिरि नंदनी। सोई वसुधा सलीक, ये जो वसुधा कहते हैं इस धरती को, इसके तल पे, इसके वसुधा तल, इस धरती पे ये जो कथा होगी एक सुर सरिता सी बहेगी। सरिता कहते हैं नदी को, कि सुधा तरंगिनी, ये ना अमृत की सुधा तरंगिनी कहते हैं अमृत की नदी होगी ये, ऐसी कथा जो है ये इस धरती पर एक नदी की तरह, अमृत की नदी की तरह बहेगी। गंगा जी को कह सकते हैं, इसमें गंगा जैसे गंगा से तुलना की गई, तो कहते हैं इस जो इस वसुधा तल पे, इस धरती पर नदी जो होती है, आप देखेंगे कि दुनिया में जितने भी बड़े शहर हैं, जो भी बड़े स्टार्ट्स हैं, सबके किनारे कोई ना कोई एक नदी जरूर होगी, क्योंकि वहीं सभ्यता की शुरुआत हो सकती है। आदमी को जीने के लिए बेसिक चीज जो चाहिए वो चाहिए पानी, वाटर, उसके पास ही नदी के पास, नदी के पास शुद्ध जल। तो बोले ऐसे है जैसे जो भी अमृत का पान करना चाहेगा वो इस नदी के किनारे रुकेगा। तो ये कथा अमृत प्रदाय नहीं होगी, ये अमृत की नदी के समान इस धरती में बहेगी। भय भंजनी ब्रह्म भेक भुवंगिनी, भय को, भ्रम को भंजन करने वाली होगी, उनका विनाश करने वाली, उनको खत्म करने वाली होगी, जो ट्राइफल्स होंगे, जो द्वेष होंगे, राग होंगे, उन सबका खत्म करने वाली होगी। फिर जैसे बताए एग्जाम्पल बहुत बढ़िया देते हैं, कहा भेक भुवंगे नहीं, भेक कहते हैं फ्रॉक को, मेढक, किकर, किकर, किकर जो है, किकर कितना भी बड़ा एकदम खुश हो रहा, कूद रहा हो, इधर उधर कूद फांद कर रहा हो, और सीधे आके सांप सामने बैठ जाए आके, तो सांप जो है किकर को तुरंत खा जाएगा। ये डेली देखा जाता है, ये जो गांव में रहता है, जो आदमी जो देख रहा है, ये डेली देखता है कि जो सांप है उसको मोर खा जाता है, किकर है उसको सांप खा जाता है, ठीक है, किकर वो है, किकर कितना भी उछल कूद कर रहा है लेकिन सांप आया तो अड़क गया। तो बोले ऐसी ये कथा है, कैसी कैसी कथा है, बोले जब ये भ्रम और भय जो है उन सबको ऐसे खत्म कर जाए, ऐसे खत्म कर देने वाली है, जैसे मेढक जो है सांप के आते ही खत्म ही है, समझ लो खत्म हो गया, ऐसी कथा है।
असुर सेन सम नरक निकट में। असुरों की सेना जैसे नरक का नाश कर दे, विनाश कर दे, ऐसी असुरों की सेना जैसी है। और साधु विमुद कुल हित गिरी नंदिनी, और साधुओं का जो सज्जन व्यक्ति हैं, जो जो भले व्यक्ति हैं, उन लोगों के लिए ये कथा कैसी है कि साधु विमुद कुल हित गिरी नंदिनी, जैसे उनका कृत्य करने वाली जो है गिरी नंदिनी। कुछ दिनों में अभी शांत पक्ष चल रहा है, इसके बाद नवरात्र शुरू होंगे, तो गिरी नंदिनी आएंगी, दुर्गा जी गिरिनंदन, इनको पार्वती जी कह सकते हैं, दुर्गा जी कह सकते हैं। तो ये जो गिरिनंदन आप देखेंगे, जब हम नवरात्र में कथा जब सुनते हैं तो उसमें आता है कि माता ने कितने कितने असुरों को मारा, कितने जो जिन्होंने लोगों का जीना हराम कर रखा था उनको मारा। तो ऐसी माता जो है हित गिरिनंदन, ये साधुओं को बचाने वाली, सज्जन व्यक्तियों को बचाने वाली, भले व्यक्तियों को बचाने वाली, उनका भला चाहने वाली जो शक्ति है वो हित गिरिनंदनी, ऐसे उनके लिए ये शक्ति बनेगी। जो सज्जन व्यक्ति हैं, जो भले व्यक्ति हैं, उनके लिए ये शक्ति बनेगी जो उन्हें बचाएगी। संत समाज पयोधिरमासी विश्व भार भर अचल छमासी, संत समाज पयोधिरमासी। संत समाज कहते हैं जैसे बहुत बड़ा सागर, संत समाज बहुत बड़ा संत समाज इकट्ठा हो गया। संत समाज की तुलना कैसे कर दी, अच्छे सज्जन व्यक्ति जो है, ऐसा समझ लो कि सज्जन व्यक्तियों का एक बहुत बड़ा सागर है, क्षीर सागर जैसा बना हुआ है, बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं। लेकिन क्षीर सागर इतना बड़ा दूध का सागर हो, क्षीर सागर में अगर सबसे पहले चमकेगी तो कैसे चमक दिखाई देगी कि वहां पे जो है भगवान विष्णु जी हैं, उनकी से वो आनंद में है, सो रहे हैं निद्रा में, और देख कौन बैठा, जग कौन रहा है, और देख कौन रहा है, रमा, इसी को रमा कहा गया। तो बोले जैसे क्षीर सागर में रमा जी शोभा देती है, जैसे क्षीर सागर जो है, क्षीर सागर में अगर देखा जाए सबसे पहले आपको एक्टिव वहां कौन दिखाई देगा, सबसे पहले लक्ष्मी जी दिखाई देगी, वहां लक्ष्मी दिखाई देगी, रमा कहा जाता है, रमा कहा। तो बोले वो रमा जैसी है, जैसे क्षीर सागर में जैसे रमा जो है, ऐसे ही सज्जन व्यक्तियों के बीच में ये कथा रमा सी हो जाएगी। विश्व भार भर अचल छमासी, विश्व का पूरा भार भार लेके रखने वाले, विश्व का भरण पोषण करने वाली ये कथा रहेगी। जम गण मुह मसी जग जमुनासी, जीवन मुकुति ये तो जनुकासी, राम ही प्रिय पावन तुलसी सी, तुलसीदास हित ही उलसी सी। क्या बताते, कहते जम गण मुह मसी जग जमुनासी, जमुना जी जो है, गंगा जी जैसे गंगा जी नदी है, ऐसे जमुना जी जो नदी है, यमुना जी को जो है कहता है कि यम की बहन है, यमराज जो है उनकी बहन जो है वो यमुना जी हैं, जो धरती पर बहती हैं, यमुना जी को यमराज की बहन कहा जाता है। इसलिए भारत में एक कथा प्रचलित है कि अगर बहन और भाई, एक जो दिवाली का जो जिस दिवाली होती है, दिवाली के दो दिन बाद, उसको उत्तर भारत में भाई दूज कहा जाता है, द्वितीया जो आती है भाई दूज, दो दिन के बाद, कहते हैं अगर बहन और भाई भाई दूज के दिन यमुना में स्नान करें तो यमराज के प्रभाव, यमराज का जो प्रभाव उससे मुक्त हो जाते हैं, यमराज के डर से मुक्त हो जाते हैं, ऐसी कथा पिछले आज भी। तो कहा गया कि जैसे जो यमदूत जो होते हैं वो जमुना जी से जिस तरह डरते हैं, जमगन महु मसी जग जमुनासी जीवन मुक्ति हे तु जनकासी, जैसे जम के दूतों से बचने के लिए यमुना जी हैं, और जीवन से मुक्त होने के लिए, मोक्ष धाम करने, मोक्ष पाने के लिए, जीवन चक्र के जरण, ये जो जीवन का जन्म और मरण का जो चक्र है, जन्म और मरण के चक्र, इससे मुक्ति पाने के लिए जो मोक्ष मदायनी नगरी कही जाती है काशी, ऐसी काशी नगरी है कथा। यमदूतों से बचने के लिए जैसे यमुना जी हैं, और मोक्ष पाने के लिए जैसे काशी जी हैं, बोले ऐसी है। और राम ही प्रिय पावन तुलसी सी, राम को भी ये कथा जो है तुलसी जैसी, जैसे हम भगवान को पूज जब नैवेद्य चढ़ाते हैं, भोग लगाते हैं, तो सबसे पहले तुलसी का दल रखते हैं भगवान जी के लिए, राम जी को जब लगाते हैं तो कहते हैं भगवान को कैसी प्रिय, राम ही प्रिय पावन सिम तुलसी सी, राम को कैसी प्रिय जैसे तुलसी जी प्रिय है राम को, ऐसी ये कथा भी राम को प्रिय है। और तुलसीदास हित ही उलसी सी, और तुलसीदास जी को कैसी प्रिय है, तुलसीदास हित, तुलसीदास जी अपने हित के लिए कथा लिख रहे हैं, अपने प्रेम के लिख रहे हैं, अपने आनंद के लिए लिख रहे हैं, तो कहने कैसी हुई है, जैसे ही हुलसी सी, हुलसी जो है तुलसीदास जी की माँ का नाम है हुलसी,
तो कह रहे कैसी प्रिय है, जैसे खुलसी तुल, जो माँ जो है जो प्रेम करती है तुलसीदास जी से, इतना प्रेम जो है उससे कथा निकली जा रही। बोले ऐसे कहा गया, उन्होंने अपनी माँ को याद करते हैं यहाँ पे कि तुलसीदास हित ही है, तुलसी तुलसीदास जी का उतना ही हित करेगी, उतना ही कल्याण करेगी जितना तुलसी जी की माँ उनका चाहती है। माँ अपने बच्चे के लिए जितना जितना कल्याण चाहती होगी, जितना भला चाहती होगी, इतना कोई और नहीं चाहेगा। तो इसीलिए कहा गया कि जैसे माँ जो मेरा हित चाहती है, ऐसे तुलसीदास जी का हित ये कथा करने वाले। शिव प्रिय में कल सैल सुतासी, सकल सिद्ध सुख संपत्ति राशि, सदगुण सुर गण अंब अदिति सी, रघुपति रघुवर भगति प्रेम परिमित सी। तुलसीदास जी सकता है कि एग्जाम्पल बहुत बढ़िया है, बताते हैं किसको कैसे। ऐसे बताया गया कि इतनी प्रिय होगी, इतना मेरा हित करेगी जितना मेरी माँ ने मेरा हित चाहोगा, इतना मेरा हित करेगी ये कथा। इसीलिए कहते हैं जब कथा की शुरुआत करते हैं तभी वो कहते हैं स्वांत सुफाय रघुनाथ गाथा। ये ऐसा नहीं है कि मैं ये अपना ज्ञान बताने के लिए कहना चाहता हूँ, ये मुझे हित कर रही है, मुझे आनंद दे रही है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। तो ऐसे किया और किसको प्रिय है कि शिव प्रिय में कल सैल सुतासी, जैसे भगवान शिव को भगवान भोलेनाथ को पार्वती जी प्रिय मैं ऐसे ऐसे। और गलत कह गया मैं, शैल सुतासी अगर होता तो ये होता अर्थ। यहाँ कहा गया मैं कल सुतासी, शैल सुता अगर जो है वो पार्वती जी है, मैं कल सुता पार्वती जी नहीं है। मैं कल सुता जो है, भारत में एक बड़ी विचित्र बात है कि जब है ना किसी चीज का नामकरण करते हैं तो उसका पूरा प्रभाव समझ में आ जाता है। जैसे कहा मुझे थोड़ा आंखों में कई बार गड़बड़ हो जाती है तो दिखता नहीं उतना बढ़िया, तो शैल सुता पढ़ा मैंने पहली बार, तो इसलिए पार्वती। लेकिन हाँ शिव जी को पार्वती जी भी बहुत प्रिय हैं। लेकिन यहाँ जो कहा गया है ये मैकल सुता कहा गया। मैकल सुता किसे कहा जाए, जो मैकल पर्वत से निकलने वाली, मैकल पर्वत से निकलने वाली जो नदी है वो है नर्मदा जी। तो जैसे नर्मदा जी जो है, जैसे आज भी भारत भर में या दुनिया भर में जहाँ कहीं भी शिवलिंग जी यहाँ रखे हुए हैं, ये सिर्फ नर्मदा जी से ही निकला हुआ, ये कहीं से नहीं निकल सकता है। मतलब जो शिवलिंग कहीं भी दुनिया भर में आपने जहां जो शिवलिंग देखा होगा वो सिर्फ नर्मदा जी से ही निकला होगा, वो मैकल सुता कही जाती है, मैकल पर्वत से निकलती है। तो बोले शिव जी को जैसे नर्मदा जी प्रिय है, मैकल सुता जो है क्योंकि शिवलिंग सब वही शिवलिंग वहीं से प्रकट होते हैं, उनको नर्मदा जी को ये वरदान दिया गया कि शिव की जो शिवलिंग जो निकलेंगे वो सब आपके यहाँ से निकलेंगे, यहीं से जो जो पत्थर यहाँ से निकले जाएंगे उन्हीं में शिव की स्थापना की जाएगी, बाकी में नहीं। तो उनको कैसे शिव जी को कैसे प्रिय है, बोले शिव जी को जैसे मैकल सुता नर्मदा जी प्रिय है। सकल सिद्ध सुख संपत्ति राशि, सभी सकल जो सभी पदार्थ है उनमें सब सुख संपत्ति जो सब है वो सबकी ये राशि है। सदगुण सुर गुण अंब अदिति सी, सदगुण जो है सज्जन व्यक्ति है, और उनको कहा गया कैसे जो अदिति जो है, अदिति कही जाती है देवताओं की माँ बताई जाती है अदिति। तो जैसे अदिति से सुर उत्पन्न हुए, ऐसे ही ये कथा जो है सद्गुण को उत्पन्न करने वाली है, सद्गुणों को उत्पन्न करने वाली अदिति जैसी है ये कथा। सद्गुण सुरगुण अंब अदिति, जैसे सुर लोगों की जो देवताओं की जो माँ है जिससे देवता उत्पन्न हुए वो अदिति कही जाती है, ऐसे सद्गुणों की उत्पत्ति भी इस कथा से होगी। और रघुपति रघुवर भगति प्रेम परिमित सी, और रघुवर के प्रति जो प्रेम होगा, जो भगवान के प्रति प्रेम को ये बढ़ाने वाली होगी, वो कितना बढ़ाएगी। जैसे हम कोई भी चीज कहते हैं कितना, बोले कितना बढ़ाएगी, बोले कहा रघुबर भगति प्रेम परिमित सी, जिसकी कोई सीमा ही नहीं रह जाएगी, जिसको सीमांकन न किया जा सके, जिसको बांधा ना जा सके, जिसको शब्द बता ना सके, जिसको एक काउंट नहीं किया जा सके, जिसको मेजर नहीं किया जा सके, इतनी लिमिटलेस काउंटलेस कि अपरिमित है ये, इसकी कोई लिमिटेशन नहीं। जैसे आप कभी जाते हैं कोई चीज आपके पास होती है, भाई ये है तो मेरे पास, भाई यहाँ पे आए तो ये पिलो रखा है, दो पिलो रखे हैं मेरे पास, मेरे बेड पे दो पिलो रहते हैं, तो भाई एक मैं लगाता हूँ, मेरे को दो चाहिए तो मैं दो लूंगा, तो तीस जो दूसरा आदमी होगा उसे ढूंढना पड़ेगा भाई अपना। लेकिन भगवान की भक्ति ऐसी नहीं है, भगवान की भक्ति ऐसी नहीं, भगवान की कथा की जो कृपा है भगवान की वो ऐसी लिमिटेड नहीं है कि आज हम सोचो यहाँ पे हम 20 लोग बैठे हुए हैं, ये भगवान ये तो भाई बहुत ध्यान से सुन रहा था, ये तो सब समझ गया होगा, इसको पूरी कृपा मिल जाएगी, मुझे कुछ नहीं मिलेगा, ऐसा तो नहीं कहते ना भगवान से। भगवान सब पे कृपा करे, भगवान की कृपा जो है, भगवान का जो प्रेम है वो अपरिमित है, जिसकी कोई मतलब लिमिट नहीं है, कोई सीमा नहीं है उसकी, सबको उतना बहुत 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 और फिर बहुत मिलेगा।
ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं, सब पूर्ण था, पूर्ण में से पूर्ण ले लिया गया। आज भी जो जो बच्चे जो मैथमेटिक्स पढ़ते होंगे स्कूल में, हाँ, इन्फिनिटी में से अगर इन्फिनिटी को निकाल भी दो तो भी इन्फिनिटी ही रह जाती है, वो कभी कम नहीं होता। ऐसा भगवान का प्रेम है, और ऐसे इनफाइनाइट प्रेम से, ऐसे जो इतना भगवान का जो विशाल हृदय है उससे निकलते हुए प्रेम की धारा, भक्ति की धारा हम सबको ऐसे ही आनंदित करते रहे, प्रसन्न करते रहे, हम सब पे भगवान की ऐसी कृपा बनी रहे। इसी के साथ, इसी कामना के साथ आज की कथा को विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, आपने इतने आनंद से, इतने प्रेम से सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में सभी के अंदर बैठे हुए उस परम पिता परमात्मा को प्रणाम करता हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महा।